छतरपुर जिले में जहां चाह वहां रहा की तर्ज पर सामाजिक कार्यकर्ता व आप नेता अमित भटनागर के पहल पर सटई थाना के अंतर्गत आने वाले गांव गड़पारा के किसान देवी दीन कुशवाहा ने अपने गांव वालों के सहयोग से 10 दिन के रात दिन के परिश्रम में अपने गांव में बांस का पुल बना डाला, जिससे गाँव के बच्चों को स्कूल जाना तो संभव हुआ, साथ ही गाँव के सैकड़ों किसानों का अपने खेत जाना सुलभ हो गया। राजनगर तहसील में सादनी ग्राम पंचायत में गड़पारा गांव में माध्यमिक शाला तो है पर 9वीं और 10वीं के छात्रों को 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर पास के पारवा गांव जाना पड़ता है। ये रास्ता हर साल बारिश के कारण 4 से 6 महीने पानी में डूब जाता है, जिससे स्कूल जाने का ये रास्ता बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि छात्रों के स्कूल जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, रास्ता तो है पर गुड़पारा से 15 किलोमीटर का सफर तय कर रोज स्कूल जाना सभी छात्रों के लिए संभव नहीं है, इसलिए ज्यादातर छात्र विद्यालय नहीं जाते या सप्ताह में 1 या 2 बार ही विद्यालय जा पाते हैं। साथ ही 2 सैकड़ा से ज्यादा किसानों को अपने खेत जुआने के लिए नाले को तैर कर जाना पड़ता है और आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुटपारा वासी दिदोनिया बांध बनने के बाद से लगभग 15 वर्षों से इस समस्या का हर वर्ष सामना करते हैं। इन 15 वर्षों में कई बार नेताओं और अधिकारियों को अपनी व्यथा सुनाई, चूंकि गाँव बिजावर विधानसभा में आता है इसलिए हर बार विधायक पुल बनाने का वादा तो करते हैं। वर्तमान विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने भी ग्रामीणों से विधायक बनने के बाद सबसे पहले पुल बनवाने का वादा किया था। जब नेता अपने वादे से मुकर गए और शासन प्रशासन ने ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ली तो ग्रामीणों ने अब पुल बनने का सपना देखना ही छोड़ दिया। दसौदा है हर बार लास्ट एंड गुड़पारा, ये हम लोगों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग अगर ये रास्ता सीधा हो तो 3-4 किलोमीटर पड़ता है और अगर ये बंद भर जाता है पुल नरवा तो हम लोग बहुत दूर से आते घूम घाम के 12 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोगों को। और सर कपड़े अपड़े उतार के भी आते हैं, भीग भी जाते हैं, फिर भी भीग जाते हैं और कभी कभी तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं हम लोग। हाँ, बारिश का जब बारिश ज़्यादा होती है तो स्कूल भी नहीं जा पाते, बहुत समस्या है। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट।